रंभापुर क्षेत्र के आसपास के गांवों में गायत्री परिवार के द्वारा 117 घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन से पूर्व रंभापुर के राम मंदिर पर गायत्री परिवार के 117 आचार्य एवं यजमान एकत्रित हुए और गांव में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। इसके पश्चात एक साथ 117 परिवारों में गायत्री परिवार की ओर से आए आचार्यों द्वारा गायत्री यज्ञ संपन्न कराया गया। गायत्री परिवार की ओर से मध्य प्रदेश और गुजरात के आचार्य शामिल हुए। जिन घरों में गायत्री यज्ञ किया गया उन परिवारों में गायत्री परिवार की ओर से गायत्री माता के चित्र का निःशुल्क वितरित किए गए। अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक अभियान है, ग्रह ग्रह गायत्री अभियान के अंतर्गत विभिन्न गांवों में हम जाते हैं, पूर्व व्यवस्था बनाते हैं और संख्या निर्धारित करते हैं। हमारे सभी यज्ञाचार्य आसपास के क्षेत्रों से आते हैं और उनके यहाँ चलकर जाकर अपनी तरफ से निःशुल्क हम गायत्री यज्ञ संपन्न करते हैं और उन्हें जन जागरण की, समाज सुधार की, संस्कार आदि की प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का सपना है कि हर घर में यज्ञ हो, ग्रह ग्रह यज्ञ, और हर मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो। इस हेतु हम लोग गायत्री परिवार के लोग घर घर में यज्ञ कर रहे हैं। उसी परंपरा के अंतर्गत आज रंभापुर में 113 घरों में यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञ हमारी पुरानी सनातन परंपरा है। पहले हर घर में अग्निहोत्र होते थे, बिना यज्ञ के व्यक्ति भोजन नहीं करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये परंपराएं धीरे धीरे लोप होती चली गई और पुनः इसको जागरण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये बीड़ा उठाया है और हम गायत्री परिवार के लोग हमारे गुरुदेव के विचारों का अनुसरण करते हुए हर घर में यज्ञ करते हैं और सामने वालों को यज्ञ के माध्यम से संस्कारों के प्रति जागृत करते हैं। गायत्री परिवार के द्वारा यज्ञ पेथी चलाई जा रही है और यज्ञ के माध्यम से सारा वातावरण शुद्ध किया जाता है, पर्जन्य वर्षा की जाती है, लोगों के शारीरिक और मानसिक रोग स्वस्थ होते हैं। इसलिए इस यज्ञ का लाभ जन जन तक पहुँचे गायत्री परिवार का यह प्रयास है और इसी प्रयास के तहत ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत गायत्री यज्ञ सम्पन्न किए जा रहे हैं। हम यहाँ सब घरों में यज्ञ करने आए हैं और हमारा गुरुदेव का एक विचार क्रांति अभियान है कि हर घर में देवत्व का जागरण हो और धरती पर स्वर्ग अवतरण हो, इसीलिए ये यज्ञ कराते हैं। और हम 30 साल से जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से और जहाँ भी ऐसे समूह में यज्ञ होते हैं तो हम सब आसपास वाले गायत्री परिवार हम एक ही साथ जाते हैं और हर घर में यज्ञ कराते हैं। तो यहाँ रंभापुर में भी यज्ञ, बड़ी खुशी की बात है कि आज जो हमारे 12 टोड़ी में जो 108 घरों में आज माँ वेद माता गायत्री का जो यज्ञ सब घर हो रहा है और जो एक माता गायत्री की जो कृपा रही है तो बड़ी खुशी की बात है और हमेशा ऐसे यज्ञ हवन वगैरह होते रहना चाहिए जिससे हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे और हम हिंदू सब एक साथ मिलके सनातनी का एक प्रमाण दे, यही कामना है और ऐसे ही बस यज्ञ वगैरह होते रहे।